जिस शो का आपको बेसब्री से इंतजार है उस शो को लेके हम हाजिर हैं। पिछली बार से डबल मस्ती आपको करवाएंगे। मस्ती मीन्स ज्योति की बेस्ती। बेस्ती दानिश की भी बहुत होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल लिटिल जैम। का करूं सजनी आए न बालम, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब जो किए हो दाता, ऐसा न कीजो। This show is co-powered by Enable Travels, NIPPG Dehradun, supported by Mitra Jyoti, Bangalore. And don't forget to listen to these mesmerizing and melodious voices every Saturday 9 PM onwards and rewebcast every Sunday 4 PM onwards only on Radio Run, a flight of life. Disclaimer: वैसे हमें ये देने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी एक जिम्मेवार रेडियो के जिम्मेवार आरजे होने के नाते आपको सावधान करना हमारा फर्ज बनता है, सो हम कर देते हैं। यदि हमारा शो सुनकर आपकी डायबिटीज या बीपी क्योर हो जाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहते। और अगर हमारे शो में हंस हंस कर आपका ब्लड ओवरफ्लो हो जाए तो आप अपने नजदीकी ब्लड बैंक में जाके उसे डोनेट कर सकते हो। यदि हमारे जोक आपको समझ आ रहे हो तो ये हमारी खुशकिस्मती है, यदि समझ में नहीं आ रहे तो क्या करते हो यार, मैकेनिक के पास जाओ यार। अगर हमारे शो को लेकर आपके पास कोई भी फीडबैक या सुझाव हो तो प्लीज 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 मेहरबानी करके वो अपने पास ही रखिए। हमें देने या हम तक पहुंचाने की बिल्कुल भी चेष्टा मत कीजिए, हमें आपके सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बहुत समझ आ रहे हैं। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। हे सेक्सी लेडी, ओ बेबी, आई एम योर मैन। हां क्या आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष, लेकर आपका अपना शो कॉमेडी का क्रोकोडाइल। तो बने रहिए घंटा मेरे साथ और सुनते रहिए शो को, एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। रंगमंच हो या टेलीविजन या फिर वो सिनेमा का पर्दा, एक्टिंग हो या फिर डायरेक्शन, सभी में इन्हें महारत हासिल है। हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर की, तो बताऊंगा इनके बारे में कुछ और सुनाऊंगा उनके कुछ यादगार कॉमेडी सीन्स। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए शो को। इनका जन्म शिमला में हुआ, तारीख 7 मार्च 1955। इनके पिता पुष्कर नाथ खेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे और इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। ये ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाचा चाची कजन्स कुल मिला के 11 मेंबर्स इनकी फैमिली में। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और ये स्कूल टाइम में अपनी टीचर्स की नकल उतारा करते थे। हिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक दिन अखबार में एक्टिंग कोर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन वहाँ जाने के लिए 100 रुपये की जरूरत थी और ये अपने फादर से रुपए मांगने में हिचकिचा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने घर के मंदिर से रुपए चुराने का फैसला कर लिया और वहाँ से रुपए चुरा के ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सुनवाता हूँ इनका एक कॉमेडी क्लिप, इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को, तो फ्लाइट ऑफ लाइफ। काशीराम, एक बात मेरी समझ में ना आवे कि ये 124 के चक्कर में अपना लखन इंस्पेक्टर तो बन गया, पर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? सेठ जी, बड़ा रुबाब है लखन का। कर बाई गॉड। बाई गॉड किसी को भी जेल में बंद कर देवे। बाई गॉड।
सनकी हो गया है सनकी। वो आपके सेठ जी है ना बिब्बी रोडवेज वाले, उनकी तो गिग्गी बन गई उसके सामने। काशीराम तू सीधा बैठ जा, मेरी गिग्गी ना बंधे किसी के सामने। सेठ जी बंद गई क्या गिग्गी? किसकी? आपकी। कैसे? हवलदार जमशे दुकान को घेर लो, बैठे रहिए बैठे रहिए, लोग उठने बैठने में हेरा फेरी कर जाते हैं। सेठ जी धार पड़ गई। क्या पड़ गई? लखन भैया। आज से हम लखन भैया नहीं, इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंह हैं। आ आ आ आ आ आ, आ। जमशेद बताइए जनता की क्या क्या शिकायतें हैं? हमारी शिकायतें? हाँ तुम्हारी शिकायतें। सुनिए सुनिए, रिपोर्ट नंबर एक, बनिया देवदा शास्त्री चावल में कंकर मिलाता है। रिपोर्ट नंबर दो, बोलते हुए कांटे में भट्टा मरता है। रिपोर्ट नंबर तीन, भाव बढ़ाने के लिए अंदर वाले कमरे में घी तेल जमा करता है। और मिलावट और जमाखोरी की सजा? 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना। आवाज आवाज बात तो सुनो बेटा, कानून का आदमी जनता की आवाज सुनेगा या मुजरिम की? जब भी तुम मैंने डांटे है ना तो मैंने बहुत प्यारा प्यारा लगे उगी बाबा नूनी काका। ये तेरी अपनी दुकान है बेटा, तेरा अपना घर, अपने घर में दाड़ मारेगा तो क्या कहेगी शारदा बहन? जमशेद जी तुम जाओ हम आते हैं। काशीराम जी, माँ का नाम लेकर मुझे जज्बाती कराइया बढ़िया। ये बढ़िया नहीं है लखन भैया, राधा का बाप है तुम्हारा देवधर काका। काका 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 बचपन वाला काका, भूल गए काका। देखो राधा बेटी कैसे तेरा इंतजार कर रही है, और मैं और ये काशीराम अभी तेरे ही बारे बातें कर रहे थे कि लखन नहीं आया, लखन आया नहीं अभी तक। अभी अब आए हो तो चाय पी के जाओ, राधा से मिल के जाओ। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, मेरा मतलब है राधा ने तुम्हारे लिए लड्डू बना रखे हैं, खा के जाओ जी। एक शर्त पर। क्या? कि देवधर काका खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाए। तो जरूर पिलाएंगे, आज तो इनके बाप को भी पिलानी पड़ेगी। तुम ऊपर तो चलो, राधा से तो मिलो। क्यों सेठ जी? क्यों लाज तू आज हमारी, संकट कितने देगा। लखन बेटा लड्डू खा तू। काका याद है बचपन में हमें राधा लड्डू खिलाया करती थी? अरे याद है बेटा, सब कुछ याद है, तू क्या प्यारी प्यारी हरकतें किया करता था। तो आज भी हम तभी खाएंगे जब राधा अपने हाथों से हमें लड्डू खिलाएगी। अरे हाँ क्यों नहीं राधा बेटी खिला दे अपने हाथ से लड्डू, दरोगा जो बन गया है दुश्मन। मेरा मतलब है लखन, DDT पुलिस इंस्पेक्टर CPWD। काशीराम जी, तुमने काका को बताया नहीं कि लखन ने किन किन हरामियों को पकड़ा? पकड़ा जी, सबको पकड़ा, सिर्फ एक हरामी ने छोड़ के। काशीराम किसको? सेठ जी आपका नाम लेते हुए मैंने बड़ी शर्म आई। काशीराम। सेठ जी कहने का मतलब ये है कि लखन भैया ने सबसे पहले तो वो अपना सेठ धनी राम है ना, उसके यहाँ धाड़ मारी और उसको बंद कर दिया। और वो दूसरा वो बढ़िया दीना राम है ना, उसको थाने में उल्टा लटका के इसी जगह जूते मारे कि आसमान लाल कर दिया। माय गॉड, मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लाया हूँ, पहन लो। लखन वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी इन्हें बॉलीवुड में फिल्मों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। काफी समय तक इन्होंने बंबई में एक एक्टिंग टीचर के रूप में भी काम किया था, लेकिन इन्हें तो फिल्मों में काम करना था। तब एक दिन इनकी मुलाकात हुई महेश भट्ट जी से, जो फिल्म सारांश बना रहे थे। उन्होंने अनुपम खेर को कहा, हाँ मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत अच्छे हैं एक्टर हो। तब इन्होंने कहा, मैं बहुत अच्छा नहीं, मैं सबसे बेहतरीन एक्टर हूँ। ये जवाब महेश भट्ट जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया
और उन्होंने अपनी अगली फिल्म में इन्हें साइन कर लिया। इस फिल्म में ये 28 साल के थे और इस फिल्म में इन्होंने एक बुजुर्ग आदमी की भूमिका निभाई थी जिसे बहुत ही ज़्यादा सराहा गया और इसके बाद तो इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। ये अपनी कॉमेडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। तो दोस्तों मैं सुनवाता हूँ आपको इनका एक और कॉमेडी सीन, इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कम इन। हवलदार विद्यार्थी रिपोर्टिंग सर। इससे पहले कहाँ थे? शैतान चौकी में सर। और तुम्हारा रिकॉर्ड इतना बुरा था कि तुम्हें इंस्पेक्टर से हवालदार बना दिया गया, क्यों? रिकॉर्ड मेरा हमेशा अच्छा रहा है सर, लेकिन ये सब उस कमीने हवालदार की साजिश है सर, जिसने मेरे उजले करियर को दाग दाग बना दिया। लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं सर। वर्दी मेरे जिस्म पर इंस्पेक्टर की ना सही, हवालदार की ही सही, लेकिन उस कमीने का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो हवालदार बनने के लायक भी नहीं। तमीज से बात करो। लेकिन आप तो हमेशा मुझे तू कहकर बुलाते थे। वो तो इसलिए क्योंकि तू आप कहलाने के लायक नहीं था। बहुत रोब जमाया मुझ पे, क्यों? अब हर बेइज्जती का मैं गिन गिन के बदला लूंगा, समझा? आज से तू सरकारी नहीं, मेरा पर्सनल नौकर बनकर रहेगा। रोज सुबह मेरे घर दूध लाएगा, फिर बच्चों को स्कूल ले जाएगा, दोपहर को मेरे लिए लंच लाएगा, शाम को मेम साहब को खाना बनाने में भी मदद करेगा और घर के सारे कपड़े भी धोएगा, बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाएगा। अब हमारा जेल का मुआयना करने का वक्त आ रहा, जाओ हमारे लिए लंच ले आओ। जाओ जाओ चलो। Aggression, blood pressure, relaxation, tension, laughter. कौन सी गोली दो सर? These goalies are thing of the past, Kulkarni. अब पुलिस कमिश्नर आर के सिन्हा को इन गोलियों की जरूरत नहीं है। मैं ये गोलियां किसकी वजह से खाता था? नहीं बताओ बताओ, किसकी वजह से पुलिस कमिश्नर सिन्हा को ये गोलियां खानी पड़ती थी? चतुर सिंह टू स्टार। चतुर सिंह टू स्टार, लेकिन चतुर सिंह टू स्टार 10 दिन से गायब है, उसकी किसी नई हरकत की भी कोई खबर नहीं आई है। लगता है उस बेवकूफ को अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया है और अपने गाँव चला गया है। राइट सर। तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन उठाओ। आपका बज रहा है सर। मेरा फोन डेड है। लैंडलाइन सर। लैंडलाइन फोन बज रहा है। हेलो इंस्पेक्टर यादव रिपोर्टिंग सर। हाँ यादव बोलो, क्या हाल है? घर में कैसे हैं सब? ठीक, माँ बाप बीवी बच्चे एंड गर्लफ्रेंड? सब फर्स्ट क्लास है सर, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई सर। क्या हो गया तुम्हारी हालत को? हाँ चतुर सिंह सर। चतुर सिंह? क्या किया चतुर सिंह ने? क्या नहीं किया सर, क्या नहीं किया, पूरा चौकी को हिला डाला है उसने सर। चौकी हिला डाला? एक मिनट होल्ड करो, गोली दो। कौन सी? लाफ्टर की। होल्ड करना भाई, होल्ड करना। अब बताओ क्या किया चतुर सिंह ने? जेब कतरा बन के पहले रेलवे स्टेशन गया था। जेब कतरा बन के रेलवे स्टेशन गया था चतुर सिंह? फिर ना आईडी था ना वर्दी। ना आईडेंटिटी कार्ड ना वर्दी चतुर सिंह। प्लेटफॉर्म में आटे के डब्बे को बम बताकर लोगों में डर पैदा किया सर। आटे के डब्बे को बम बनाकर डर पैदा कर दिया प्लेटफॉर्म में। फिर और तो और सर, मेरे सामने मेरे थाने में 2 घंटा बैठा था, नाम नहीं बताया सर। सर मेरा दिमाग दिमाग फट रहा है सर, मैं पागल हो जाऊंगा सर। तुम पागल नहीं होगे, लेकिन मैं पागल हो गया। ऐसा लगता गुस्से के मारे में मेरे शरीर के अलग अलग कोने में छोटे छोटे एटम बम फूट रहे। कंट्रोल सर, बीपी। मैं चतुर सिंह को गोली मार दूंगा। गोली मार दो सर, मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। इसको फांसी पे चढ़ा दो सर। मैं इसके शरीर में जहर की इंजेक्शन ठोक दूंगा। मैं ठोक दो सर, जहर का इंजेक्शन ठोक दो उसको। टेक इट इजी सर, प्लीज होल्ड मी। ये गले लगा मुझे, अब छोड़ दो। वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man. शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। दोस्तों आज बता रहा मैं आपको अनुपम खेर जी के बारे में और सुना रहा उनके कुछ यादगार कॉमेडी सीन्स। ये कॉमेडी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी करते हैं।
इनकी कॉमिक टाइमिंग का तो जवाब ही नहीं है। एक फिल्म आई थी दिल, जिसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित थे। इस फिल्म में इन्होंने आमिर खान के बाप की भूमिका निभाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होते हैं। क्या बेहतरीन कॉमेडी की थी इस फिल्म में इन्होंने। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिल्म दिल का वही कॉमेडी सीन। इसे सुनिए और खुल के हंसिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। फिर मिलते एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाना यार, शो अभी बाकी है। अरे अरे, ये तो पैसा नहीं, रुई है। मेरे लाखों पे पानी फेर दिया तूने। लाखों रुपया तो पहले से ही तुम्हारे पास है, अब कितना और चाहिए तुम्हें? करोड़ों। मैं करोड़ों रुपया कमाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या मालूम ऐसे से मुझे क्या होने लगता है। पैसा देखते ही मेरे तन बदन में गुदगुदी होने लगती है। मेरा रुआ रुआ नाचने लगता है। मेरे 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 कानों में संगीत गूंजने लगता है और मेरी आंखों में फूल खिलने लगते हैं। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी सकता हूँ, मर सकता हूँ, गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ। नहा सकते हैं कि नहीं? नहा सकते हैं कि नहीं? पंडित जी आते ही होंगे। पंडित जी आते ही होंगे, खुशखबरी लाते ही होंगे। पंडित जी आते ही होंगे, खुशखबरी लाते ही होंगे। ओम लक्ष्मी नारायणो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणो नमः। हे लक्ष्मी माता, तुम्हें तो अपने उल्लू से बहुत प्यार है। मैं तो तुम्हारे उल्लू का भी उल्लू हूँ। अपने इस उल्लू पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे पास ही रहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, लेकिन मुझको कभी छोड़कर मत जाना माँ। ओए बहुत जल गई। अरे सेठ जी, 5 साल से आप यही अगरबत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो इससे छुट्टी दे दीजिए। अरे 5 साल इस्तेमाल करूँ या 50 साल, जब लक्ष्मी माता को कोई एतराज नहीं तो तेरे बाप का क्या जाता है। अच्छा ये बता, वो पंडित का बच्चा आया कि नहीं? वो तो कब से आपका इंतजार कर रहा है। अरे सेठ जी, ये देखो एक से एक लड़की छाट कर लाया हूँ। अंदर रखिए पंडित जी, जल्दी से अंदर रखिए। मुझे इनकी शक्लो सूरत से क्या लेना देना। काणी होगी तो आंख लगवा दूंगा, लंगड़ी होगी तो जयपुर की टांग लगवा दूंगा, मोटी होगी तो खाना बंद करवा दूंगा। पंडित जी कैसी भी चलेगी, लेकिन एक ही शर्त है कि लड़की इकलौती होनी चाहिए और करोड़पति बाप की होनी चाहिए। पंडित जी बैठ जाइए। सेठ जी, शक्ल सूरत ना सही मगर कुंडली तो मिलनी चाहिए ना। अरे कुंडली नहीं मिली पंडित जी तो चलेगा, लेकिन दहेज मिलना चाहिए। मेरा एक इकलौता बेटा है, एक ही बार उसकी शादी करनी है। पूरी जिंदगी में फसल मुझे एक बार काटनी है और ये फसल हजारी प्रसाद तबीयत से दिल लगाकर कस कस कर काटेगा। पंडित जी आपके लिए चाय। थैंक यू। अरे नालायक बेवकूफ, पंडित जी को मारना चाहता है क्या? मैं चाय दे रहा था, जहर थोड़ी दे रहा था। अरे बेवकूफ, चाय में चीनी होती है, चीनी से डायबिटीज होती है। पंडित जी कहीं मरमरा गए तो? नहीं शेर जी, मुझे शुगर की बीमारी नहीं है। अरे नहीं है तो हो सकती है, एक प्याले चाय के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो पंडित जी? लेकिन मैं खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं नहीं पीने दूंगा। मैं पीऊंगा। मैं नहीं पीने दूंगा। मैं पीऊंगा। चाय में मक्खी गिर गई। लीजिए, न चाय आपकी न मेरी, मक्खी की। पंडित जी
हजारी प्रसाद की चाय पी जाए, ऐसी मक्खी आज तक पैदा ही नहीं हुई। हाँ तो आप क्या कह रहे थे पंडित जी? सेठ जी, आपकी पसंद तो ठीक है, मगर आपके बेटे की पसंद भी तो जरूरी है ना? आप हमारे बेटे की फिक्र ना करें पंडित जी, आखिर मेरा खून है और 7 पीढ़ियों से हमारे खून की एक ही खासियत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। भगवान तेरा भला करे। वेरी गुड वर्मा, और गो इन। आई हैव टेकन द अपॉइंटमेंट सर। सर वो बेनेट एंड मिरांडा कंपनी की कोटेशंस इनवाइट कर लें। इतनी छोटी की क्या बात है, उनसे कह दो। सर हजारी मिल्स को लाखों का फायदा हुआ है। सर हजारी केमिकल्स का आज उद्घाटन है। सर हजारी शिपिंग कॉरपोरेशन की आज मीटिंग है। सर कोई बहुत बड़ी हस्ती मालूम होती है। जरूर कोई खानदानी रईस होगा हमारी तरह। कुत्ते वाले तेरा कितना हुआ? सर जी 500 रुपए। 500 रुपए? दिमाग खराब हो गया क्या? 4 कुत्तों के 500 रुपए? अरे 500 रुपए में तो 50 आदमी कुत्ते बनने को तैयार हो जाए। सेठ जी कुत्तों के दिन बदल गए हैं, आदमी के नहीं बदले। चलो सेठ जी। अरे कुत्ते भी तो छोटे छोटे थे, मैं बात कही का। लो सेठ जी। तू क्या बना था? सेक्रेटरी। कौन सेक्रेटरी? सेठ जी जल्दी कीजिए, मुझे शूटिंग पे जाना, बच्चन साहब मेरा वेट कर रहे हैं। अरे तो तेरा कितना रुपया हुआ? 400 रुपए। अरे रुक गया, मेरा दिल रुक गया। 400 रुपया बाकी तेरी किसको बन गया। नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई कौन है ये? साक्षात हरिश्चंद्र का अवतार लगता है। सब लोग बैठिए, सबको मिलेगा। इधर आइए, बैठ लो मेरे भाई। शांति से बैठो चाचा, शांति से लो बैठो। तुम भी लो, ये लो। सेठ जी अगर आप नहीं होते तो हम गरीबों का क्या होता? भैया मैं तो अपने आप को तुमसे ज्यादा गरीब मानता हूँ। मुझे भगवान ने इतनी दौलत दी लेकिन बांटने के लिए सिर्फ 2 हाथ दिए। काश उसने 1000 हाथ दिए होते तुम लोगों में दौलत बांटने के लिए। भगवान तुम्हारा भला करे। माँ तुमने मुझको सब कुछ दिया, धन दौलत, लेकिन फिर भी मैं रोज तेरे दर पर भिखारी बनकर आता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। जैसे तूने मुझको सब कुछ दिया वैसे एक अच्छी सी बहू भी दे दे। मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस घर की लक्ष्मी चाहिए। माँ मुझे लक्ष्मी दे दे माँ, मेरे घर के लिए एक अच्छी सी लक्ष्मी दे दे माँ। जाओ। यस सर। सर गाड़ी के टायर पंचर है। क्या स्पेयर टायर नहीं है? सर स्टेपनी तो एक ही है मगर टायर 2 पंचर है। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मुझे जाना था, यहाँ फोन भी नहीं कोई। भाई साहब अगर आप बुरा न माने तो आप मेरी गाड़ी में आ जाएं, जहाँ आपको जाना होगा मैं छोड़ दूंगा। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? ये ले बड़ा पाव खिला, आज तो पेट भर के। सौकी नोट तो जैसे भिखारी के पास कहाँ से आ गई? तेरे बाप के घर से लाया हूँ। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये तो जाली नोट है, एक तरफ छपा एक तरफ नहीं, चल रख रख इधर। आया बड़ा साला, पुलिस का हवाले कर दूंगा, भाग यहाँ से। जाली नोट? अरे यार मेरी भी जाली नोट है। तेरी? अरे अरे हाँ मेरा भी जाली नोट है। तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आई वो जा रहा है सारा। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। बहुत मोहब्बत है इन लोगों के दिलों में आपके लिए।
भगवान से ज्यादा आपके भक्त लगते हैं। ये तो इन लोगों की मोहब्बत है, वरना 10-20 लाख रुपया दान में देने से कोई भगवान तो हो नहीं जाता। ड्राइवर जरा गाड़ी तेज चलाओ भाई। हमको बेवकूफ बना गया, जाली नोट दे गया। अरे कभी हाथ में मिल गया तो दांत तोड़ डालूंगा साले। वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। अनुपम खेर जी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग हर तरह की भूमिका निभाई है। एक कॉमेडियन हो या फिर विलन गिरी, सभी रोल में इन्होंने दर्शकों की खूब प्रशंसा लूटी है और अपने हर किरदार के साथ इन्होंने बराबर इंसाफ किया है। विलन के रूप में डॉक्टर डैंग वाले किरदार को कौन भूल सकता है, क्या दमदार एक्टिंग की थी इन्होंने। पर हमें तो ये कॉमेडी करते हुए पसंद आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं एक और कॉमेडी सीन। इस सीन में ये पुलिस वाले बने हैं और पुलिस वाले बनते हुए भी इन्होंने क्या खूब कॉमेडी की है, आप भी सुनिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। फिर मिलते एक ब्रेक के बाद, कई मजा ना, सुनते रहना रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या है ये जींस, क्या है ये गधा, क्या है कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। अरे ये देख, टेन बैग की छकरिया आ रही है। चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू कहा है को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है, हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का। ए, क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कौनो गलत खबर दिया है साहेब? कौनो गलत खबर दिया है साहेब? ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहेब। हेलो हेलो, तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गधा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके 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 बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? लगता है इन्हें ना महाभारत पढ़ा है ना बी आर चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह, और इन इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कहते हैं। तू ड्रामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया इको? ये क्या, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है? इसकी ये हिम्मत?
शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमेशा दांत पाड़ता रहता है। शट अप! ये सब कहां गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़, श्रीमान जी भाग। अरे सुनिए सुनिए, भाग भाग जीप इधर है। अरे जीप बाद में, पहले भाग। हट जाओ पीछे। अरे श्रीमान जी, हेलो पुलिस स्टेशन। ए हटो सामने से। हैं यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं, गोबर के उपले। हाँ, इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ी सी इतनी सी भी शंका नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? किस तरह का करैक्टर है मुन्ना? जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहां जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन? फैशन। अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी, ये मुझे समझता क्या है? चल अब, शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके। तू मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के हजार टुकड़े हों। तेरे सर के हजार टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। चल अब। अब बच के कहाँ जाएगा तू? हमें छोड़ दो, ये क्या खिलवाड़ है? चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। अरे चल, हमें छोड़ दो। अरे कहाँ ले आए आप? अरे ओके ओके, कहाँ ले आए मुझे? देखिए सर, ये गांजा स्मगल कर रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुद्धि भ्रष्ट, गांजा क्या होता है? धूर्त, इसमें पुस्तक है, महान पुस्तक। आवाज नीचे, आवाज नीचे। नागरिकों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब तक देश के तमाम स्मगलर्स को बैगर्स ना बना दूं, तब तक ना मैं चैन से सांस लूंगा, ना गले में सोने की चेन पहनूंगा। खोलो। इस बोरी में क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है? क्या बोला तू? पुस्तक है? गांजे से तेरा मस्तक फिर गया, ये पुस्तक है। है? आश्चर्य, ये पुस्तक से पत्तियां कैसे बन गई? तू? जी सर, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, हमारी वो पुस्तक जिसमें मौतें लिखी हुई है खो गई है, वो तो मिल गई थी, इसी बोरी में थी, किंतु उसकी पत्तियां कैसे बन गई? जैसी हरकतें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, स्मगलिंग करता है, और वो भी मेरे जैसे कड़क इंस्पेक्टर के एरिया में। यमा! क्या कहा? यमा! ये पागल है क्या? लोगों को जब डंडा पड़ने वाला होता है तो वो चिल्लाते हैं, अम्मा, ये तू यम्मा क्या कर रहा है? बेवकूफ बनाता है। तेरी यमा! यम है हम। आगे। ए, ये कौन है?
ये हमारे गुरु हैं। करते क्या हैं? यही तो हैं जो प्राण निकालते हैं। ये आदमी मुझे समझता क्या है? दुनिया मुझसे डरती है लेकिन ये मुझे डरा रहा है। जब इसने मुझे कहा कि मेरी हिटलिस्ट की पुस्तक खो गई तो मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब पुस्तक की बात तो और, ये डायरेक्ट किलर को लेकर यहाँ आ गया। इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है? शट अप। प्रणाम प्रभु। ओम तथा प्रभु, ये मुझे मार रहा है प्रभु। प्रभु हम इसको खोलते हुए तेल में तलेंगे। अवश्य। प्रभु इसके शरीर में बड़े बड़े गरम गरम 100,000 सुए चुबो देंगे। अवश्य। प्रभु एक विनती और है। क्या? इसका सर काट कर आप मुझे दे दे, मैं उसे फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। अवश्य अवश्य। क्या बात है सर, आप इस तरह फुट फुट कर क्यों रो रहे हैं? आखिर ये गुरु चला है कौन? कहते हैं मुझे खोलते हुए तेल में डालकर तलेंगे, मेरे शरीर में 100,000 सुए चुभोएंगे, मेरा सर काट कर फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। आखिर वो मुझे समझते क्या है? ठीक है, तुम देखना, या तो आज वो नहीं या मैं नहीं। जाओ सबसे पहले उस चेले को बांधो, उसके बाद सोच रहा हूं दूसरे के साथ क्या करना है। जाओ। ठीक है सर। क्यों बे, अब कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, जान पड़ता है मैं उड़ रहा हूँ बादलों में। बादलों में? हाँ, उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। तेरी तो वेलकम। एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो,
या फिर कॉमेडी किंग कादर खान। एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे और कादर खान, और कादर खान के साथ तो उन्होंने क्या जबरदस्त कॉमेडी की थी। दोनों ही एक से बढ़कर एक कॉमेडियन इस फिल्म में एक साथ नजर आए थे, जिसने दर्शकों को खूब हंसाया था। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिल्म सूर्यवंशम का कॉमेडी सीन। इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाना यार, शो भी बाकी है। सुनते रहना रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओए बगलोल, अबे तुझे बोल रहा हूँ तुझे। हाँ, मेरा नाम धर्मेंद्र है, हीरा मुझे प्यार से मिंद्रा बुलाता है। मैं मिंदर विंदर छछुंदर कुछ नहीं जानता, तू मेरे लिए सिर्फ बगलोल है। मेरा काम कर, ये मेरे कपड़े ले जा और इसी निकला के ले। देखता क्या है, चल जाना। पानी छिड़क के स्त्री करवाऊं? हाँ, और पीने के पानी से। पीने के पानी से क्यों, मिनरल वाटर से। ये क्या कर रहे हैं? अरे स्त्री करने से पहले कपड़े गीले करने पड़ते ना, साला भिखारी। जमाल गुटा पिलाकर गांव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। अरे मिंद्रा, ये फिर कपड़े गंदे होंगे, फिर धोने पड़ेंगे, फिर स्त्री करने का हुक्म मिलेगा। अरे नौकरों से बदतर कर दिया हमको, जो वो कहें वो हम करें, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। ये नहीं चलेगा हीरा, बस। मिंद्रा मेरी बात सुन। क्या? देखो ये लोग इस घर के खास मेहमान हैं। तो शाइस्ता, जितने दिन के लिए वो यहाँ है तब तक मेरी खातिर तो चुप रहे। क्या तेरी खातिर चुप रहूं, तेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, बस, फॉरवर्ड। क्या कर रहे हो अंकल, फोटो खींच रहे हो या मेरा परेड करवा रहे हो? क्या करूं, कैमरे में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मिलिट्री बाबू, ढक्कन हटाओगे तो चेहरा नजर आएगा ना। अबे ये कैमरा है, पतीला नहीं जो ढक्कन निकालूंगा इसका मैं। हाँ, कैमरा है, पतीला नहीं। मालूम है तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? मैंने आज तक गधे को फोटो खींचते हुए नहीं देखा। क्या बोला? मुंह हिला रहा हूँ। अरे बकरीबाज, मैंने तुझे स्त्री के लिए कपड़े दिए थे, वो कहाँ है? मिलिट्री बाबू, लिटिल मिस्टेक। काहे की मिस्टेक? वो धोबी दारू के नशे में धुत्ता, जमीन पे गिर गया। गरम कोयले की स्त्री थी, कपड़ों पे गिर गई। हा? सारे कपड़े जल गए। बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ, इसके नीचे की नई ड्रेस सिलवा लेना। नमस्ते। मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़े ही होता है। तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। अरे यार, तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने में जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये लो यार। आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूँ। एक बार बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीद क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबल का डाकू बन जाऊं क्या? मेरा मतलब चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? ये काम कर सकते हो जी, कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो। पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो लो। अब एक बात बताओ मिंद्रा जी, ये जो लड़की अभी आई थी, ये सब रखी गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे मालूम है यार, मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जालिम सिंह से पूछ कर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस काम वाली का मर्द है। मर्द? कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे यही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है, 18
28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज क्या तारीख है? 26 परसों। तो मिलिट्री, चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री सिगरेट देना। अरे जल्दी कर। अरे जलाएगा कौन तेरा बाप? अरे तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं 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 बाबू, ऐसे नहीं। तू कुछ बोल रहा था ना? अरे नहीं भाई, बोल रहा था ना, मुंह से निकल गया यार, जान देना, बाद में दम नहीं है। चल शराब डाल और। एक मिनट जरा, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वालों के साथ। अरे तू क्या कर रहा है? लड़कियों के साथ कुछ करना चाह रहा है? हाँ ये तुम लोग जो इस तरह के लोग कभी मत लाना ख्याल दिल में, कभी ना। वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man. शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। दोस्तों कैसा लगा आज आपको अनुपम खेर जी के बारे में जान के और उनके कॉमेडी सीन सुन के? मजा आया ना? तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं हर हफ्ते आपके लिए लाता रहूँगा एक कॉमेडियन, बताऊँगा उनके बारे में और सुनाऊँगा उनके कुछ यादगार कॉमेडी सीन्स। तो इसलिए इस शो को मिस मत कीजिए, हमेशा सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल और हंसते रहिए मेरे साथ। जाते जाते मैं आपको छोड़ जाता हूँ फिल्म शोला और शबनम के कुछ कॉमेडी सीन के साथ। इस फिल्म में ये गोविंदा के साथ नजर आए थे जिसमें ये कर्नल बने थे, और कर्नल बनके भी इन्होंने अपनी कॉमेडी को नहीं छोड़ा। तो आप भी सुनिए दोस्तों और एंजॉय कीजिए कॉमेडी सीन को। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी शो में जिसका नाम है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सॉरी डार्लिंग, बहुत देर से तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। क्या करूं, इन नौजवानों को ये लेक्चर देना बहुत जरूरी था। आई लव यू, I love you. अबे समर, जा समर। अबे क्या खाक समलो, दो घंटे से दौड़ रहे हैं। उछड़ की औलाद, लगता है ऑर्डर देके ही भूल गया। हाँ यार करण, ये प्लस का बच्चा माइनस कब करेगा? जब एक आदमी लाश गिरेगी। चल यार अभी विश्राम कराता हूँ, पता तो लगे आखिर ये बुढ़ा खोया कहाँ हुआ है। हाँ जमीन पर जाओ, पैर मत रखो, पैर मत रखो। विश्राम, किसने की यह हरकत? किसने की तुम में से यह हरकत? ओके ओके, अगर एक मिनट के अंदर तुम लोगों ने गुनहगार को मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो सजा सबको मिलेगी। आप सबको सजा क्यों दे रहे हैं सर? गुनहगार तो ये है करण, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे श्रीदेवी कहते हुए देखा है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ग्राउंड में लेट कैसे आए? तुमने मेरा कानून नंबर 38 कैसे तोड़ा? सर इसका भी जिम्मेदार यही है, इसने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया सर। तो तुम बाथरूम तोड़कर बाहर निकल आते?
एनसीसी का मतलब अनुशासन यानी डिसिप्लिन, हर हाल में हर सूरत में। जो आदमी बाथरूम के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता वो दुश्मन से कैसे लड़ेगा? लेकिन सर, आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सप्लेनेशन। सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बंदूक उठाओ और इस ग्राउंड के 5 चक्कर काटो। लेकिन सर, मेरी चक्कर, मगर सर 15 चक्कर। ओके सर। तो ये हरकत तुमने की थी? नहीं सर, वो मैंने कहा था। नहीं सर, मैंने कहा था। ये झूठ बोल रहा है सर, वो हरकत मैंने की थी। गुड, एकता, यूनिटी, आई लाइक इट। लगता है मेरे लेक्चर का असर सिर्फ तुम 4 लोगों पर हुआ है। थैंक यू सर। अब एक काम करो, अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और इस ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दो। सर, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? गिनती बंद करो, जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक भागते रहो। क्या? मार्च, ब्रेड, सावधान। ये लाठी का बच्चा 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर 2-1 को लुढ़काकर ही रहेगा। तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि श्रीदेवी के आशिक के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। ओ भाई, तू ये कपड़े क्यों प्रेस कर रहा है? हाँ? मैं कल सुबह बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? अरे ये मत पूछ यार। यार तुम लोग ये जाने वाने की बातें मत करो। मेजर साहब के कायदे कानून तोड़ने का मतलब समझते हो तुम लोग? सब समझता हूँ। क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा फांसी भी चढ़ा देंगे ना? हाँ, भले चढ़ा दें, लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ से जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर तुम लोग जागा रहे हो होटल प्लाजा के रूम नंबर 203 में। वहाँ क्या है भाई? वहाँ पर श्री देवी आई हुई है। हाँ, उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए। हाँ, इतना ही नहीं, कल रात को मैंने उसका इंटरव्यू भी सुना था रेडियो पर। अच्छा? हाँ, मैंने तो उसकी आवाज भी टेप कर रखी है। सुनोगे? फॉलो मी। श्री देवी जी, आपके चाहने वालों की तरफ से मैं आपसे चंद जाती सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी? शादी तो मैं जरूर करूंगी, मगर अभी तक मुझे मेरी पसंद का लड़का ही नहीं मिला। मेरा मतलब है कि बलमा। यानी कि आपके दिमाग में आपके होने वाले पति की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ है। जी बिल्कुल, मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविलियन नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी। वो तो मैं हूँ। जिसका चौड़ा सा सीना होगा वो भी है। और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे वो भी लगे। और वो आपके मुझसे साफ साफ कह देगा कि शेरी आई लव यू यार। शेरी आई लव यू यार। मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? कुछ मिलिट्री वाले इतनी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं। मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है। मेरे पति की मूछें होंगी मगर मोटी नहीं, छोटी छोटी। रेडियो वालों की तरफ से और आपके चाहने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीदेवी जी। लाओ सर, गो टू योर बेड। अपना रेडियो कल सुबह ले लेना। आज रात मुझे रेडियो पर खाड़ी संकट की खबरें सुननी है। गुड नाइट एंड गो टू योर बेड। सॉरी सर, गुड नाइट। मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविलियन नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी। जिसका चौड़ा सा सीना होगा और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे। और वो आके मुझसे साफ साफ कह देगा कि श्री आई लव यू यार। मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है। मेरे पति की लगता है तुम्हारे लिए मुझे इनकी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अभी
कहां भेज दिया उस बुड्ढे को? क्या वाकई श्री देवी आई है? श्री देवी नहीं, देवा आया हुआ है। देवा? हाँ, मशहूर बॉक्सर देवा। नई नई शादी करके हनीमून मनाने आया है। अब देखना रूम नंबर 203 में कम से कम 203 जूते पड़ेंगे। ऐसे चोरी छुपे अंदर आने की क्या जरूरत है डार्लिंग? ये तुम्हारा अपना ही कमरा है, मैं खुद भी तो तुम्हारी हूँ। अब इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ ना, बैठो मेरे पास। तुमने कितनी देर लगा दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सच? और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सारी जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? बिल्कुल। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें प्यार करना ही रह गया है। शायद तुम जानती नहीं मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं। यही नहीं, मैं तुम्हारी हर फिल्म 10-10 बार देखता हूं। तुम्हारी कसम श्रीदेवी, लेकिन जब कोई हीरो तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या अमिताभ बच्चन, और वो विलेन अमरीश पुरी, वो जब तुमसे जबरदस्ती करता है तो मेरा दिल करता है कि मिलिट्री की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूं। लोग तो इश्क में सिर्फ अपना दिल ही देते हैं, मगर मैंने तो इश्क में अपने खानदान की इज्जत उतार कर तुम्हारे सामने रख दी है। ये देखो, बदल गई है श्री देवी जी। हो क्या क्या हुआ डालेंगे? डार्लिंग, ये बदमाश मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आया और इसने मेरे साथ, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं तो 203 कमरा समझ कर आया था। नहीं, ये कमरा नंबर 203 ही है और अब तो सात जन्म में इस नंबर को भूल नहीं पाएगा। You are so sweet. मुझे जाने दो प्लीज। भाई साहब, मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी सफाई में कुछ कहने का। अब सफाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब साफ होने वाला है। बीवी, जरा दरवाजा बंद कर। करण, तुम नजर आ रही हो, ये चक्कर क्या? बहुत गलत बातें कर रही हो, पागल हो गया डाली? आज करो खाना अच्छा बना है। थैंक यू सर। कैसे अच्छा नहीं लगेगा सर, मसाला कूट कूट के अभी तक हमारे हाथ जल रहे हैं। अभी तो सिर्फ हाथ जले, आगे शायद। मैं समझ गया सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं अभी आता हूँ। खाना छोड़कर जाने का मतलब कानून नंबर 30 तोड़ना, उसकी सजा जानते हो तुम? सर आप जो सजा देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन इस बार मैं नहीं रुक सकता। स्टॉप इट। क्या हुआ सर?
इन्हीं चारों ने खाने में कुछ गड़बड़ की है। ये देखिए सर, जुलाब की गोलियां। जुलाब जी सर, सर हमें हमारी नई सजा तो सुना दे जाइए।